Hey guys, very very good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, यहाँ पर पूजा चल रही है वट की और वटसावित्री पूर्णिमा है, तो आप सभी को वटसावित्री पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं. और बस मेरी पूजा कर लेती हूँ और इसका जो व्लॉग है, मतलब पूरा डिटेल में व्लॉग, वो आपको मेरे मराठी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ यही दिखाया कि मैंने पूजा कैसे की थी और पूरा जो व्लॉग है, मतलब क्या क्या किया मैंने इस दिन, वो पूरा आपको मराठी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा. तो आप देखना मत भूलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चेक कर लेना. एक्चुअली इस साल मैं बाहर पूजा करने के लिए नहीं गई, पिछली बार भी गई थी तो बहुत लेट गई थी और इस बार भी अभी घर पे ही किया है. ये प्लांट लाया था इन्होंने वट का, तो वो लगा दिया क्योंकि हम लोग प्लांटेशन भी हो जाएगा इसी वजह से और एक प्लांट हमारे हाथों से लग जाएगा आज के दिन. और बाहर जाती ना आज के दिन, तो वहाँ पर ना बहुत सारी लेडीज़ होती है और बिना मास्क के होती है, क्योंकि आज के दिन इतना सजते धजते हैं लोग और मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं. तो इसी वजह से मैंने सोचा कि घर पे ही सही रहेगा करना, तो इसी वजह से घर पे ही पूजा की. चांगला आशीर्वाद दे मला. सौभाग्य होती हो. हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन. सो गाइस, आज है वट पूर्णिमा और मैंने अभी चेंज कर लिया है, बस बैंगल्स निकालना बाकी है. मैंने चेंज इसलिए कर लिया है क्योंकि बहुत हेवी हो गई थी साड़ी और सुबह का जो व्लॉग है वट पूर्णिमा की पूजा का, जो भी मैंने किया, वो आपको मराठी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा. तो अभी इसे नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं और जो भी आज हुआ बाकी का, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी. तो चलिए अभी बाकी के काम करती हूँ. ये बैंगल्स निकालने हैं, वो बैंगल्स निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ना, आपको पता ही होगा अगर आप पहले से फॉलो करते हो, तो बैंगल्स मेरे हाथ में एक तो जाते नहीं है, अगर जाते हैं तो जल्दी से निकलते नहीं है. अभी पता नहीं कब निकलेंगे, बट बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है. तो और थक भी गई हूँ यार, फ्रेश होने का मन कर रहा है. और आज करनी है ऊपर के रूम की क्लीनिंग, मतलब जो मेरा रूम है उसकी क्लीनिंग सेटिंग, तो वो सब कुछ होगा. तो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आपसे, चाय वगैरह ले लेती हूँ, पता नहीं अभी थोड़ी देर के बाद लेती हूँ. और गाइज ये देखो, यहाँ पर सांप, मैं तो सांप ही बोलूँगी इसे, कि ये छोटे छोटे सांप निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था कि ये ऐसे निकल रहे हैं हमारे घर पे, छोटे 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 छोटे. बट आप लोगों ने बोला था कि ये सांप नहीं है, बट इसका ना आप लोग बोल रहे थे कि उधर दोनों साइड से मुंह रहता है उसका, तो वो साफ नहीं होता है. बट ये एक ही साइड से मुंह है यार, आप देखो अभी इसको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे ना तो एकदम सांप जैसा चलता है. ये सांप ही है यार, ये देखो बिल्कुल सांप जैसा चलता है. और आप लोग बोल रहे थे बट मुझे नहीं है, यकीन हो रहा है, तो इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं ये इसके लिए, क्योंकि अभी पानी, बरसात का टाइम है और उसके बाद ये सांप जहाँ पर भी देखो वहाँ पर निकल रहा है दो तीन दिन छोड़ के, तो मुझे डर लग रहा है इसकी वजह से अभी घर पे. और काम चल रहा था तो बिल्कुल स्प्रे वगैरह पे ध्यान नहीं देना हो रहा था, तो इसी वजह से वो टेंशन आ गया है मुझे इसका. और यहाँ पर देखो ये स्टूल बन गए हैं दोनों रूम के ड्रेसिंग टेबल के, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से निकलेगा. ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे निकलता है. तो ये और उसके स्टोरेज के लिए भी जगह है उसके अंदर, तो ये यहाँ पर कुछ रख सकते हैं अंदर हम लोग, मतलब जो भी चीज़ें हमें चाहिए जैसे ज्वेलरी वगैरह भी हम लोग इसमें अंदर रख सकते हैं. और उसके बाद चीज़ें कुछ लगवा ले रहे हैं कारपेंटर भैया से, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कहाँ कहाँ पर के लिए लगाने हैं, तो इसी वजह से. तो ये हैंगर लगाना बाकी था, तो यहाँ पर ये हैंगर लगा दे रहे हैं, मतलब नैपकिन के लिए. और उसके बाद एक दो शोपीस थे मेरे पास, वो भी लगवा लिए मैंने. और उसके बाद ये था, ये कैंडल स्टैंड है एक्चुअली, ये तीन आ जाते हैं इसमें कैंडल्स, तो इधर की साइड में और उधर की साइड के कॉलम पे, तो ये लगा रहे हैं फ्रंट में. और उसके बाद वो पीछे की वॉल पे भी आपको दिख रहा होगा कि वो है, वो भी हम लोगों ने मंगाया था, वो तो हम लोगों ने बहुत पहले लगा दिया था. और यहाँ पर वही चल रहा है शू रैक का काम, शू रैक का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बस शू रैक का, डोर का मायका बचा है, डोर का मायका लगा देंगे और उसके बाद अभी कंप्लीट हो जाएगा ये शू रैक का काम. और बाद में मैं आपको दिखा दूंगी कि शू रैक कैसी बनी है, क्या है और कैसे कैसे हम लोग उसमें शू रख सकते हैं, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना. और हम लोग ऊपर के रूम की क्लीनिंग भी करने वाले हैं उसमें. ये देखिए, इन्होंने आस्तिक नमा करके ये स्टिकर लाया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब दो तीन दिन छोड़ के छोटे छोटे सांप निकल आ रहे हैं. कोई बोल रहा है वो सांप है, कोई बोल रहा है नहीं है, बट पता नहीं अभी वो है या नहीं है यहाँ. हाँ, लगा दो बीच में. हाँ, तो यहाँ पर अभी लगा रहे हैं हम लोग. कोई कोई मामा, हाँ कोई कोई
झूठ बोलता है, कोई कोई सही भी बोलता है। हाँ हाँ बराबर है। नहीं लेकिन हमें पता नहीं अभी वो सांप है या क्या है, तो यहाँ पर लगा दिया अभी स्टिकर ये, क्योंकि मम्मी को कॉल किया हम लोगों ने, तो मम्मी ने बोला था कि ये मतलब आस्तिक मुनि लिखना, नहीं तो फिर अभी स्टिकर लाना, तो ये इन्होंने आस्तिक नमा का स्टिकर लाया है। तो चलो आस्तिकाय नमा, सॉरी ओम आस्तिकाय नमा, तो ये स्टिकर लाया, तो ये लगा दिया है यहाँ पे, और एक लाया है ये, तो ये भी लगा देंगे, ये फ्रंट में वो फ्रंट डोर पे लगा देंगे, मतलब जो हमारा मेटल का डोर है वो उस पर। अब ये देखो यहाँ पर लगा रहे हैं मेन गेट पे। चलो लग गया स्टिकर आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः। पता नहीं अभी वो, पता नहीं यार, दो आप लोग बोल रहे थे कि दो तरफ से मुंह होता है तो वो निकलती है, क्या बोलते हैं उसे नहीं पता मुझे, बट वो दो तरफ से मुंह नहीं था आज के इस पे, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि दो तरफ से। इनको भी मैंने बोला कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि दो तरफ से मुंह होते हैं वो, कुछ तो भी दूसरा होता है, सांप नहीं होता है, बट मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि उसको हाथ लगाने से मतलब ऐसे थोड़ा सा भी छेड़खानी किया ना उसे, एकदम सांप जैसा चल रहा था। नहीं वो सांप वही है हाँ। जो दो मुंह वाले बात कर रहे ना हाँ। दो मुंह वाले लोग जो क्या करते सोना निकालने के लिए, उसके लिए जो हाँ। मेडिसिन भी बनती बड़ा होके जो रहता है, पता नहीं यार मुझे नहीं पता मिलता है। नहीं वो सांप की वो दो मुंह वाला होता है, नहीं पता नहीं ये सब लोग बोल रहे अभी, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है, वो लगा दिया है वैसे अभी क्या करें। हाँ ये अभी डोर पूरा क्लीन करना है, देखो यहाँ पर कितना मतलब मेस है, पूरा मेस ही मेस है ये, क्लीन इसलिए हाँ क्लीन इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये सारा काम हो जाने के बाद फिर एक बार साफ करेंगे। यहाँ पे पूरा देखो धूल, दिखाती हूँ मैं आपको, डेली धूल यहाँ पर बैठ जाती है ना, तो इस वजह से क्लीन करना ही नहीं होता है ये। तो हम लोग सोच रहे थे कि अभी कल का पूरा ख़त्म हो जाएगा कल, और फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे ये सब कुछ फ्रंट का। तो ये देखो यहाँ पर सारा फेविकॉल लगा हुआ है और ये निकलता भी नहीं है, डेली पोछा मार रहा है यहाँ पर फिर भी निकल नहीं रहा है ये, तो इसे अच्छे से पानी डाल के फिर अच्छे से वो पट्टी से क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा ये। तो ये सब कुछ होगा बाद में क्लीन, यहाँ पर तो पूरा मेसी मेस है, आपको जहाँ देखो वहाँ मेसी दिखाई देगा ये, बट अभी क्लीन करने से फ़ायदा भी नहीं है, अंदर का तो भी अंदर यूज़ करना पड़ता है, तो क्लीन कर रहे हैं हम लोग बट अभी यहाँ पर तो नहीं कर रहे। इनकी ही सारी चीज़ें दिखाई देगी ये वो सेफ्टी वाला, और उसके बाद सनग्लास और क्या 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 चीज़ें। ये मैंने वॉच ऑर्डर की थी, तो ये वॉच मैंने अपने रूम में लगवा ली है, एंटिक फिनिश में है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और उसके बाद ये जो माही के रूम का बेसिन है, इसके पास मुझे ये ब्रश स्टैंड वगैरह लगवाना था तो वो लगवा लिया। उसके बाद माही के रूम में अद्विक और माही के हमारा फैमिली फोटो था वो लगवा लिया। पकौड़े, अरे वाह मेरा तो फास्ट है ना अद्विक। नहीं नहीं बेटा नहीं, मेरा फास्ट है। नहीं नहीं खा लो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं 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 खा नहीं सकती। नहीं ना बेटा आप खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं डाइटिंग पे नहीं हूँ, मेरा फास्ट है आज। हे गाइस, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है और वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है, तो अभी मुझे वो रिसीव हो गई है सारी की सारी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी। जब मैंने आपको पेडिक्योर टब या मशीन आपको दिखाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था, पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए जो प्रोडक्ट मैंने लिए है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके अलावा जो भी मैंने प्रोडक्ट लिए है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने ये लिया है, ये VLCC का फूड केयर किट है, जो स्टेप भी आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे कौन सा स्टेप कब यूज करना है आपको लिखे हुए मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पर पूरा किट ही इसमें मिल जाता है, और इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा था तो इसी वजह से मैंने इसे लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट, ये भी VLCC की है, तो ये 2-in-1 है, तो ये भी आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी किट है, इसके बारे में भी बहुत सारा सुन रखा था तो इसी वजह से मैंने ये भी ऑर्डर कर दी। उसके बाद अभी मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे तो आपको नेल्स की ज़रूरत होगी, मतलब नेल्स अच्छे रखने के लिए, नेल आर्ट या कुछ भी करने की, तो इसके लिए नेल आर्ट के लिए मैंने ये किट ऑर्डर कर दी नेल आर्ट की। तो इसमें आपको इस तरह से नेल आर्ट के लिए सामान मिल जाता है, ब्रशेस मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको इसमें ये टेप वगैरह भी मिलते हैं नेल आर्ट के लिए, नेल आर्ट का पूरा सामान ही इसमें मिल जाता है आपको,
तो ये मैंने ऑर्डर किया था। और हाँ, आप लोग लिंक्स मांगते रहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सारी चीज़ों का, आप चेक कर लेना। और आपको जो भी इसमें से प्रोडक्ट चाहिए, जो भी अच्छा लगता है, वो आप परचेस कर सकते हो। और एक लिंक भी आपको मिल जाएगा माय हॉल स्टोर का, आपको सारे लिंक्स चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए एक माय हॉल स्टोर का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो ये है, उसके अलावा मैंने और प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, तो वो ये है, ईयरबड्स है ये कॉटन वाले, और इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए हैं ना, ये देखो पूरे 100% प्योर कॉटन के ये ईयरबड्स है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के। और क्वांटिटी देखो आप कितनी बड़ी, मतलब इतना पूरा हाथ भर ये डिब्बा है इसका, और इसमें काफ़ी सारे ईयरबड्स है। तो ये आप मतलब 500 ईयरबड्स है, 500 पीस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये मैंने लिया है, और उसके बाद मैंने लिया है ये ब्रश, जो सिलिकॉन का ब्रश है फेस वॉश के लिए। तो ये देखो, मतलब हर किसी के साथ सिलिकॉन ब्रश नहीं मिलता है, मतलब हर किसी फेस वॉश के साथ, तो ये मैंने लिया है। आप फेस वॉश लो, लगा लो और अच्छे से इससे मसाज कर लो, मतलब इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा और आपका फेस भी ग्लो करने लगेगा। तो ये मैंने ब्रश लिया है, और ये बहुत ज़्यादा काम का है, मैं काफ़ी दिनों से लेना चाहती थी तो मैंने फाइनली इसे ले लिया। और उसके बाद मैंने ये लिया है कॉटन पैड्स, मेकअप रिमूव करने के काम आते हैं, मिनिसो के है, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बिल्कुल रफ नहीं है और बिल्कुल इरिटेट नहीं करते हैं आपकी स्किन को, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये मैंने लिए हैं, और बहुत काम काम की चीज़ें दी है मैंने इस बार। और उसके बाद मैंने लिया है ये VLCC का ये फेशियल किट, डायमंड फेशियल किट VLCC का, मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ इसे, और दोबारा से इसे परचेस किया है। तो ये है, और इस पे आपको स्टेप मिल जाते हैं लिखे हुए कि आपको कौन सा स्टेप कब करना है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता भी नहीं है ना फेशियल करना, तो आपको मतलब पता नहीं है कि पहला स्टेप कब कौन सा होना चाहिए, तो इस पे लिखा है पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए, दूसरा स्टेप कौन सा होना चाहिए। तो ये है, और बहुत अच्छी किट है ट्रस्ट में, मतलब आपकी टैनिंग वगैरह पूरा हटा देता है, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है इससे। उसके बाद मैंने लिया है ये बैंड्स, उस दिन मैंने आपको दिखाए भी थे, मतलब आपने देखे भी होंगे जब मैंने लगाए थे फेस मास्क लगाते टाइम। तो ये है वो बैंड जो आप मेकअप करते टाइम लगा सकते हो, वैसे भी आप लगा सकते हो, फेस मास्क लगाते टाइम लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, दो का कॉम्बो आता है ये, तो हमारे दोनों के लिए काम आ जाएगा, मतलब एक माही के लिए और एक मेरे लिए, तो इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था। और वैसे भी आप दो का मतलब कॉम्बो ही आता है ये, तो ये लिया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये वाला, और इतने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं ना लगाने के बाद। और उसके बाद मैंने लिया है ये वाला, हाँ तो अभी मैनीक्योर पेडीक्योर करूँगी, नेल ऐड करूँगी, तो उसको सुखाने के लिए कुछ चाहिए ना, नेल पॉलिश सुखाने के लिए, तो मैंने ये नेल ड्रायर मशीन ली है। मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये मैंने नेल ड्रायर मशीन ली है। और इसके अंदर आपको सेल डालने होते हैं, मतलब आपको इसमें कुछ भी पिन वगैरह लगाने के लिए, प्लग वगैरह लगाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें आपको सेल लगाने होते हैं, और उसके बाद ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। और ये आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, आपके पर्स में लेके जा सकते हो, कहीं पर भी आप नेल पॉलिश लगाते हो तो ये आपके काम आ जाएगी, मतलब इससे प्लग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप कार में भी बैठ के नेल पॉलिश लगा सकते हो और इससे ड्राई कर सकते हो, मतलब आपको जल्दी जल्दी कहीं जाना है तो आपकी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे कि आपको नेल पॉलिश लगाने का टाइम नहीं मिला है और आपके पर्स में ये है और नेल पॉलिश है, तो आप कभी भी नेल पॉलिश लगा सकते हो। तो ये है, और इसके साथ मुझे ये मिला है नेल्स घिसने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए ये मशीन होती है, जो नेल आर्ट करते हैं उनको पता है, ये मशीन इसके साथ मुझे रिसीव हुई है, जो मैंने ये मशीन ऑर्डर की थी ड्रायर मशीन उसके साथ। और अभी मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और जो आपको भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये ले लोगे ना तो दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वो प्रोडक्ट है ये, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ये मस्कारा जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो है ये मेबलिन का कोलेसॉल का मस्कारा, और ये इसमें मैंने वाटरप्रूफ लिया है, आप चाहो तो वॉशेबल भी ले सकते हो, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक वाटरप्रूफ और एक वॉशेबल, तो उसमें से आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने वाटरप्रूफ लिया है, और बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को, और बहुत अच्छे से घने दिखते हैं आपके लैशेस इसको यूज़ करने से। उसके बाद मैंने कोलेसॉल का ही जो काजल है वो मेरा फेवरेट है, आप लोग पूछते रहते हो कि दी आपका फेवरेट काजल कौन सा है, तो वो ये है मेबलिन का कोलेसॉल काजल, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक टिक जाता है, और जेड ब्लैक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि कोई फंक्शन हो या कहीं हम लोग अच्छे से रेडी हो रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करती ही करती हूँ, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसके बाद अगर आपको अच्छा सा हाइलाइटर चाहिए कोई, तो आप
इस हाइलाइटर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है मास्टर क्रोम हाइलाइटर मेबेलिन का, और इसमें मेरा शेड है मॉल्टन गोल्ड। ये जो हाइलाइटर है, एक बार आप हाइलाइटर ले लोगे ना ये, तो आपको कभी भी हाइलाइटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना ज्यादा दिन टिक जाएगा, मतलब आप जब तक मेकअप करोगे तब तक तक आपका ये चलेगा ही। इतनी ज्यादा क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है, और हाइलाइटर आपको थोड़ा सा ही लगाना होता है, इतना ज्यादा क्रीमी है ना। ट्रस्ट में, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप अपने किट में ये रख सकते हो। वैसे भी आप अपने मेकअप किट में ये आपके होना ही चाहिए, इतना बढ़िया ये हाइलाइटर है। उसके बाद ये जो वेगा का आईलैश कर्ल है, ये भी आपके मेकअप किट में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप मस्कारा वगैरह लगाते हो उससे पहले आपको लैश अगर कर्ल करते हो ना आप, उसके बाद अगर आप मस्कारा लगाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा मस्कारा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा भी। अगर आप वैसे मस्कारा लगा के देखो और लैशेस कर्ल करने के बाद मस्कारा लगा के देखो, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक नजर आएगा। आप ये लैश कलर ले सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा है, वेगा का लैश कलर है। लिंक आपको सारी चीजों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बार बार एक एक लिंक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि दी ये लिंक दे दो वो लिंक दे दो, तो सारी चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ, एक अच्छा सा पैलेट चाहिए आपको, कोई भी अच्छा सा एक पैलेट चाहिए, इन्वेस्ट करना है आपको अच्छे से पैलेट में, तो आप इस पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपकी अगर शादी होने वाली है तो भी आप इस पैलेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी शादी हो गई है और आपको मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप ये पैलेट यूज कर सकते हो। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे शेड मिल जाएंगे, मतलब जो हम लोग रेगुलर आते हैं, जैसे कि हम लोग कभी भी कोई भी साड़ी पे हम लोग ज्यादा तो भड़कीला लगाते नहीं है, जैसे कि ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ये सारी चीजें तो हम लोग ज्यादा लगाते नहीं है, अलर्ट है मेकअप रेवोल्यूशन का। तो ये पैलेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मेकअप किट में, ये पैलेट होना ही चाहिए, इतना ज्यादा अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ज्यादा अच्छे से लग जाता है, फॉल आउट नहीं होता है इसका, तो बहुत ज्यादा अच्छा है ये पैलेट। डेफिनेटली आप इस पैलेट को परचेस कर सकते हो। उसके बाद आप लोग पूछते हो कि दी आईब्रो आपकी बहुत ज्यादा थीन है बट इतनी अच्छी कैसे दिखती है जब आप मेकअप करते हो, आप अच्छे से रेडी हो जाते हो, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये हिलेरी रोडा का आईब्रो पैलेट। इसमें ना आपको तीन शेड मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखो आपका कोई भी स्किन टोन हो ये तीन शेड आपके काम आएगी आएगा। जैसे कि ये ब्लैक शेड मैं पीछे लगाती हूँ यहाँ पर आईब्रो के पीछे, और ये जो डार्क ब्राउन शेड है ना वो मैं आगे आगे लगाती हूँ, क्योंकि नेचुरल दिखनी चाहिए आईब्रो। इसी वजह से ट्राई करने के लिए आपको इसमें ब्रश भी मिल जाता है और कॉम्ब करने के लिए आपको ये आईब्रो कॉम्ब भी मिल जाता है, तो इसके साथ ये मिल जाता है आपको। और आप बहुत ज्यादा फेयर और आपको बहुत ज्यादा थीन आईब्रोज है तो आप ये वाला शेड यूज कर सकते हो, मतलब तो आपकी नेचुरल आईब्रोज लगेगी। तो और ये पैलेट भी आपके मेकअप किट में होना ही चाहिए, इतना ज्यादा बढ़िया पैलेट है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे पैलेट, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। जो भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं अभी या जो भी मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, सारे इससे पहले भी जो दिखाया है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और जो महंगे भी है ना थोड़े से, मतलब जैसे कि पैलेट वगैरह थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं है। एक ही आप ले लोगे ना तो दूसरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट एक अच्छी खासी आपके लिए। तो ये है वो पैलेट। और उसके बाद जो रेगुलर मैं यूज करती हूँ जिससे मेरा सन टैन नहीं हो रहा है, आजकल बहुत ज्यादा अच्छी ग्लोइंग स्किन दिख रही है, मतलब सन टैनिंग नहीं हो रही है, तो सन टैनिंग के लिए दूसरी भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ, जैसे कि सीरम वगैरह भी यूज कर रही हूँ। बट एक जो प्रोडक्ट है जिसने मेरी हेल्प की है, अभी जो मेरी हेल्प कर ही रहा है, तो ऐसे जो वेदर होता है जिसमें बहुत ज्यादा धूप नहीं होती है, बट हमें लगता है कि इस सीजन में हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, तो आप ये वाला इस सीजन में ट्राई कर सकते हो, लैक्मे सन एक्सपर्ट, जैसे कि सनस्क्रीन का काम भी करेगा। मतलब आप देखो ये मैंने कितना ज्यादा यूज किया है, ये आपको कवरेज भी देगा और ये आपके सनस्क्रीन का काम भी करेगा। तो इसी वजह से अगर आप कोई क्रीम नहीं लगाना चाहते हो, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, तो आप इसे भी अकेले लगा सकते हो, बहुत अच्छा कवरेज भी देगा और उसके बाद आपका सनस्क्रीन का काम अच्छे से करेगा। उसके बाद मैंने लिया है ये स्ट्रीस का सीरम, और काफी अच्छे से मेरा खत्म भी हो चुका है यहाँ तक, जब से रिसीव हुआ है तब से, और बहुत अच्छा सीरम है, आपको पसंद आने वाला, एक बार जरूर ट्राई करना। आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो ये वाला सीरम, और उसके बाद मैंने ये वाव का जिंजर हेयर ऑयल ऑर्डर किया था, इसके बारे में आपके साथ मराठी चैनल पे शेयर भी किया था मैंने। तो ये है वाव का डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल, इससे आपके डैंड्रफ चुटकियों में गायब हो जाएंगे, इतना अच्छा हेयर ऑयल है ना, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका, और बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता। आप लगाते हो ना, दूसरे दिन हेयर वॉश करते हो तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपने कोई भर भर के ऑयल लगाया था, और आपका डैंड्रफ खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है सीजन में, तो बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, ये वाला ऑयल यूज कर सकते हो, वाव का जिंजर हेयर ऑयल, तो ये भी बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। उसके बाद मैं जो यूज करती हूँ नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, वो है ये
कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर, और इतना ज्यादा पसंद है ना मुझे, इसकी कैप नहीं लगाई थी इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये मुझ पे गिर क्यों रहा है। तो इतना ज्यादा अच्छा नेल पॉलिश रिमूवर है, जल्दी से रिमूव हो जाता है नेल पॉलिश आपका। थोड़ा सा कॉटन पे ले लो और बस ऐसे थोड़ा सा रब करो, जल्दी से रिमूव हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, कलर बार का ये नेल पॉलिश रिमूवर। जो यूज करते हैं उनको तो पता ही होगा, जो यूज नहीं करते हैं तो यूज करके देखिए, आप इसके फैन हो जाओगे। उसके बाद मैंने ये बोरा मिलानो का ब्लश लिया था, इतना ज्यादा पसंद आया ना मुझे कि मैं ज्यादातर यही ब्लश यूज करती हूँ। और इतना प्यारा कलर है कि आपको क्या ही बताओ, देखो ये नेचुरल कलर है, इतना अच्छा ब्लश का काम करता है। और ये देखो इतना सुंदर लगता है ना लगाने के बाद, एक न्यूड से लिपस्टिक लगा लो, ये ब्लश लगा लो, इतना प्यारा लगेगा, और लगेगा भी नहीं कि आपने कोई ज्यादा हेवी मेकअप किया है। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा क्रीमी है, जल्दी से लग जाता है, अच्छी पैची नहीं लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये आप अपने मेकअप किट में ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्लश है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस ब्लश पे इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो ये हो गई मेरी अमेजोन शॉपिंग जो इस बार मैंने की है, और आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और इसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो इससे पहले लिए थे, बहुत दिन पहले, बट मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हो, तो इसी वजह से यही टाइम है। मैंने सोचा चलो आपके साथ ये सारे प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल जाए ये सारी चीजें परचेस करने में। आप लोग ये पूछते हो कि दी आई शेडो कौन सा है, दी ब्लश कौन सा है, दी ये लिपस्टिक कौन सी है, दी अपने सीरम कौन सा लगाया है, दी अब कॉम्पैक्ट कौन सा यूज करते हो, तो ये सारी चीजें आप पूछते रहते हो। तो इसी वजह से मैंने आपके साथ मेरी फेवरेट चीजें अभी शेयर कर दी। तो ये सारी मेरी फेवरेट चीजें थी। आई होप गाइज ये आपके लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, और इन सारे प्रोडक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलेगा। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।